हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज है 31 अक्टूबर 2022 और वार है सोमवार। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आप सभी को और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को राम राम। और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लग जाए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और मैंने अभी सारी साफ़ सफाई कर दी है और नहा धो लिए हैं। सुबह सुबह का जो जरूरी काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी खाना वाना तो बनाया नहीं है और कपड़े धोने बाकी सारा काम अभी तक बाकी है। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इधर आई थी पानी लेने के लिए, बाहर गर्म पानी में करूँगी अभी बर्तन साफ। तो मैं गर्म पानी लेने के लिए आई थी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ रखा है गर्म पानी, ये टेम्परेरी तौर पे हमने बना रखा है ऐसा चूल्हा, क्योंकि जो हमारे पहले भट्टी थी वो हमने तोड़ दी थी और नई भट्टी अभी तक हमने बनाई नहीं है। भट्टी और आरे बनाने बाकी हैं, क्योंकि पहले जो प्रोग्राम था उसकी वजह से ये जो इधर का आंगन आपको दिख रहा है ये हमने ऊंचा किया था। तो पहले इस साइड ये देखो आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इधर हमने भट्टी आरे सब यहाँ पे रखे हुए थे वो सारे तोड़ दिए और इस आंगन को हमने किया था ऊंचा। तो उस वजह से हम भट्टी और आरे बना नहीं पाए। तो ये टेम्परेरी तौर पे है अभी तक और सारा काम हमारा फिनिश हो चुका है। और ये है हमारी गौ माता और पशुओं का काम भी कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा बहुत कोई पानी पिलाना बाकी रह गया होगा, मम्मी लोगों ने सबसे पहले ये कर लिया था। और चलिए अभी मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, तो फिर मिलते हैं ब्लॉग में। बर्तन साफ करने के बाद ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग जाए तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, आप डेली ब्लॉग देख लिया करो। और बेल आइकन वाली घंटी भी दबा लेना सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी ये मेरे यहाँ रखे हुए हैं सारे बर्तन, जो सुबह के चाय पानी के बर्तन होते हैं वो, अभी मैं इनको फटाफट से कर लेती हूँ साफ। तो अब ब्लॉग में बने रहना। कल की मेरी भुजिया वाली रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लेना, कल मैंने एक भुजिया की रेसिपी शेयर करी थी। और आज का ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। और आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बस हाथ जोड़ के यही विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और अच्छा लगे। और अभी मैंने सारे बर्तनों के लगा ली थी साबुन और अभी मैं फटाफट से धो के इनको रख दूंगी। और सुबह सुबह दो चाय के बर्तन काफी ज्यादा हो जाते हैं और मैं साथ के साथ साफ नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम मैं झाड़ू पर लगी होती हूँ तो मैं झाड़ू बीच में नहीं छोड़ती। घर बहुत बड़ा है और जल्दी से झाड़ू निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो नहीं तो फिर सूरज निकलने के बाद झाड़ू निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं झाड़ू ही निकाल लेती हूँ और उसके बाद नहाई धोई करने के बाद मैं देखती हूँ बर्तन बर्तन धोने जो भी काम हो वो। बर्तन साफ करने के बाद मैं इधर बर्तन रखने आई थी। इधर एक स्लेब है, इसके ऊपर हम बर्तन रख देते हैं। तो उस टाइम इसको दिखा एक कैमरा और स्टैंड है, तो इसको पकड़ना चाहता था, इसके पीछे हो गया। आजा मधुर, मधुर है ये कैमरा ले।
किलो अच्छा तो ये पकड़ लो तो एक बार मधुर जिस चीज के पीछे पड़ जाता ना तो उसको वही चाहिए, फिर दूसरी से कोई चीज दे दो वो अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैं इधर टावल टंगा तो मैं कह रही हूँ ये पकड़ ली, ये नहीं पकड़ रहा, कैमरे के पीछे भाग रहा है। और फिर बर्तन धोने के बाद हम इस स्लेब पे बर्तन रख देते हैं क्योंकि सारा पानी झड़ जाता है और फिर बर्तन पे कोई भी निशान नहीं छूटता है पानी का, तो अच्छे से सारे सूख जाते हैं, बर्तन अच्छे चमकने लगते हैं। और फिर थोड़े से सूखने के बाद इनको इकट्ठा करके और अंदर किचन में ले जाया जाता है क्योंकि सीधा अंदर किचन में ले जाते हैं तो साथ में पानी चला जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम पहले बाहर रख देते हैं थोड़ा सा धूप के अंदर बर्तनों को, और जब गर्मी होती है ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो हम मेरी दूसरी साइड एक और स्लेब है उस पर रख देते हैं, उस पर छाया रहती है, धूप नहीं जाती। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए क्योंकि कपड़े भी सूख चुके थे, तेज़ धूप थी। और कपड़े उतारने मैं इनको कर लूँगी फोल्ड अंदर ले जाके। तो फिर आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम।